हाय, मेरा नाम है अर्पित और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ OnePlus Nord 3 के बारे में। तो जैसा हम सबको पता है कि ये फ़ोन नेक्स्ट मंथ चाइना में लाइव होने वाला है। मेरा मतलब है कि ये फ़ोन चाइना में OnePlus Ace 2 Diamond City Edition नाम से लॉन्च होगा और यही फ़ोन इंडिया में रीब्रांड होके OnePlus Nord 3 के नाम से आएगा। ऐसे में इस फ़ोन में आपको क्या स्पेसिफिकेशंस देखने के लिए मिलने वाली हैं, आज इस वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं और लास्ट में जाके आपको बताने वाला हूँ कि इस फ़ोन की प्राइसिंग इंडिया में क्या हो सकती है। लुक में आपको कुछ नया यहाँ पे डिज़ाइन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बट क्या यहाँ पे आपको एक ग्लास बैक देखने के लिए मिलेगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ में अलॉन्ग विथ अलर्ट स्लाइडर। फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की भी प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगी, बाय द वे बैक में भी है। फ्रंट में आपको एक फ्लूइड एमोलेड पैनल मिलेगा 6.72 इंच का, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, साथ ही साथ HDR 10 प्लस सर्टिफाइड होगा। इस फोन में आपको एंड्रॉयड 13 का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 वाला चिपसेट देखने के लिए मिलेगा जो कि एक 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड CPU है। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको माली का G710 MC10 GPU भी देखने के लिए मिल जाएगा। अभी जो प्रोसेसर है ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है, हम बहुत सारे फ़ोन्स में देख चुके हैं जैसे कि वीवो X80 हो गया, रियलमी GT Neo 3T हो गया या फिर OnePlus 10R हो गया, उसमें हमें सेम प्रोसेसर देखने के लिए मिलता था। सो प्रोसेसर वाइज OnePlus ने अच्छा काम किया है। इस फ़ोन में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज के साथ में LPDDR5 रैम देखने के लिए मिलने वाली है और जो मैक्सिमम हम रैम साइज़ चूज़ कर पाएंगे वो होगा 12 GB और जो मैक्सिमम रोम साइज़ आप चूज़ कर पाएंगे वो होगा 256 GB इंडिया के लिए। इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिलेगा, प्राइमरी लेंस 50 MP का होने वाला है, शायद से कोई सा सोनी का सेंसर होगा, OIS-B डेफिनेटली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, सेकेंडरी लेंस 8 MP का है और थर्ड लेंस 2 MP का है। फ्रंट में जो सेल्फी है इन लोगों ने डाउनग्रेड कर दिया है, 16 MP का सिंगल शूटर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा EIS के साथ में, साथ ही साथ फ्रंट से आप 1080p तक ही मैक्सिमम रिकॉर्ड कर पाएंगे, शायद से 30 FPS तक। इस फोन में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने के मिलेगा, साथ ही साथ सारे आपको यहाँ पे सेंसर्स देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, बाय द वे हाईरेस ऑडियो या फिर डॉल्बी एटमॉस के साथ में ये स्पीकर्स आ सकते हैं। OnePlus इस फोन के साथ में आपको 5000 mAh की बैटरी ऑफर करेगा अलॉन्ग विद 80W चार्जर इन द बॉक्स। और बात कर लीजिए इस फोन की इंडिया प्राइसिंग के बारे में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 30,000 से 40,000 rupees के आसपास का जो प्राइस ब्रैकेट है, यानी 30 to 40 के बीच का जो प्राइस ब्रैकेट है, ये फ़ोन उसी में लॉन्च होने वाला है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको देखने के बाद OnePlus Nord 3 के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।